मगर बीजेपी और सपा के लोग अल्पसंख्यक समाज और अति पिछड़ा समाज उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाएं, अपने पीठ पर लाठियां खाएं और अखिलेश यादव मलई खाएं। मैं अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करता हूं, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर और मजलूमों के सामने। जालिमों ने गोलियां चलाई और ये समझा कि ओवैसी मर जाएगा, मगर जालिमों तुम फिर से चलाओ, जब तक तेरा अल्लाह नहीं जाएगा, जब तक जमीन और आसमान का बनाने वाला नहीं जाएगा, तुम्हारी हजारों लाखों गोलियां मुझे छीन नहीं सकेगी। मगर जालिम ये समझा कि चार राउंड गोली चलाने से आवाज खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर ओवैसी मर भी जाता मगर तुम जिंदा रहते और तुमको मेरा पैगाम पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप में प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में ओवैसी की पार्टी एआईएम पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है। ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई दास्तान लिखने की कोशिश कर रहे हैं, नई कहानी लिख रहे हैं, मुसलमानों को मुतहिद करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव मुस्लिम वोटरों को अपना वोट बैंक समझ चुनावी सफर तय कर रहे हैं। ओवैसी अपनी सभाओं में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बदहाली पर बार बार सवाल खड़े करते हैं, जोर देते हैं। आखिर मुसलमानों की इस हालत के जिम्मेदार कौन लोग हैं, किनके वजह से मुसलमान आज बदहाली में जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं, मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने में किसका हाथ है। ओवैसी का निशाना ज्यादातर कांग्रेस और सपा की ओर रहता है। ओवैसी अपनी रैलियों में सपा पर जमकर बरसते हैं, गरजते हैं। भोजपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, आखिर कब तक सपा चाहती है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग दरी बिछाएं, लाठियां खाएं और अखिलेश सत्ता की मलाई खाएं। मेरे आने का मकसद यही है और यही रहेगा कि आपको नेता बनाया जाए, आपको अपना हिस्सा मिले। सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी की जब बात ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा करते हैं तो हमारा मानना यह है कि राजनीति में भी हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, शिक्षा में भी मिलना चाहिए, नौकरियों में भी मिलना चाहिए और ठेकेदारी में भी मिलना चाहिए। मगर बीजेपी और सपा के लोग अल्पसंख्यक समाज और अति पिछड़ा समाज उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाएं, अपने पीठ पर लाठियां खाएं और अखिलेश यादव मलई खाएं। वैसे यही नहीं रुके, जनता को साधते हुए अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, मैं गरीब और मजलूमों के लिए लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। मैं अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करता हूं, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर और मजलूमों के सामने। जालिमों ने गोलियां चलाई और ये समझा कि ओवैसी मर जाएगा, मगर जालिमों तुम फिर से चलाओ, जब तक तेरा अल्लाह नहीं जाएगा, जब तक जमीन और आसमान का बनाने वाला नहीं जाएगा, तुम्हारी हजारों लाखों गोलियां मुझे छीन नहीं सकेगी। जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन दुनिया से सब जाएंगे, कोई नहीं बैठेगा यहाँ पर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ओवैसी सब जाएंगे। मगर जालिम ये समझा कि चार राउंड गोली चलाने से आवाज खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर ओवैसी मर भी जाता मगर तुम जिंदा रहते और तुमको मेरा पैगाम पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर जाना पड़ेगा। क्या आप लेकर जाएंगे, क्या आप लड़ेंगे अपने हक के लिए, क्या आप मजलिस और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ देंगे। ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को सियासी हुकूक दिलाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को खुद की कायद और कायद चुनने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोट किसको मिलता है, मुसलमान किसके भाईजान बनते हैं, ओवैसी के साथ जाते हैं या फिर अखिलेश यादव को अपना रहबर चुनते हैं। यूपी की सियासत में कभी मुस्लिम वोटों को हार जीत तय करने वाला माना जाता था,
सीट के हिसाब से उनका झुकाव तय होता था। 2014 के लोकसभा चुनाव तक यूपी की सियासत में मुस्लिम काफी अहम थे, लेकिन उस चुनाव के बाद उस चुनाव ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। बीजेपी जाति के नाम पर बटे हिंदुओं को हिंदुत्व के मुद्दे पर लामबंद करने में कामयाब हो गई, जिससे अल्पसंख्यक वोट सियासी तौर पे हाशिए पर पहुंच गए। 8 साल और 3 बड़े चुनावों के बाद 2022 में यूपी का मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत तेज है, जबकि यूपी में मुस्लिम वोटरों की तादाद 19% से ज्यादा है, जो 403 विधानसभा सीटों में कुल मिलाकर यूपी की 143 विधानसभा सीटों पर ऐसी जहां मुस्लिम वोटरों का असर है। करीब 70 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 20-30% के करीब है। 43 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यूपी की 36 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीत हार तय कर सकते हैं। 107 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम जीत हार तय कर सकते हैं। मौजूदा विधानसभा में 23 मुस्लिम विधायक हैं। यह संख्या बीते 50 सालों में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 2 चरणों के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। तीसरे चरण के 16 जिलों में यानी हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, कानपुर नगर, जालौर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं महोबा की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 20 फरवरी को होगी। तीसरे चरण में कुल 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूं तो सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सीट होने की वजह से गोरखपुर और कलहल की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन गाजीपुर के जहूराबाद की जंग भी काफी दिलचस्प हो गई। सपा गठबंधन के अहम साझेदार माने जाने वाले सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एआईएम ने भी राजभर के खिलाफ अपनी उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ शौकत अली को टिकट दिया है। शौकत अली एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर भरी है। राजभर के खिलाफ ओवैसी की पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारा जाना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कभी सपा गठबंधन में जाने से पहले राजभर ओवैसी के साथ थे, ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का सियासी पलटवार होता है और वो अपना नाम बदल लेते हैं, पतंग का साथ छोड़ साइकिल पर सवार हो गए। वहीं ओवैसी सियासी जमीन तलाशते हुए मैदान में बने हुए हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश में तवातोड़ रैली कर रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान से पहले ओवैसी ने धुआंधार रैली की, गुरुवार को भोजपुर, छिबरामऊ, कन्नौज, बिठूर की जनता को साधने की भरपूर कोशिश किया। अब तीसरे चरण के मतदान में ओवैसी फैक्टर कितना काम करता है, प्रदेश की राजनीति में वोटरों को साधने में सत्ता पर काबिज होने की दिलचस्प कहानी है। राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण देख धुरंधरों को मैदान में उतार रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए एमआईएम ने भी अपनी कई धुरंधरों को मैदान में उतार चुकी है। 2 चरणों में एमआईएम को कितनी कामयाबी मिली है उसका भी परिणाम 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन अभी तीसरे चरण के लिए मतदान में या आगामी और चरणों के चुनावी मैदान में एमआईएम के बहुत प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। खैर, कुछ प्रत्याशियों का नाम आपके सामने रख दूं। वसीम वकार जो एमआईएम के प्रवक्ता हैं, लखनऊ पश्चिम से ताल ठोक रहे हैं। सलमान सिद्दीकी लखनऊ सेंट्रल से, एडवोकेट मोहम्मद आदिल हैं, गीता रानी हैं, एडवोकेट मुनीर बेग हैं, यासिर अरफात तुर्क हैं, चांदपुर से हैं, अख्तर वसीम, सफी अहमद, मोइनुद्दीन, सुनील कुमार कन्नौज से हैं, हाफिज अताउर रहमान है हरदोई से, रवि शंकर जायसवाल हैं भदोही से, उसके बाद में रईस रहमानी है पयागपुर बहराइच से, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद मजहर हुसैन, पुष्पांजलि हैं कादीपुर से सुल्तानपुर, कमर आलम है आजमगढ़ से आजमगढ़, मोहम्मद जावेद हैं दीदारगंज से आजमगढ़। ऐसे तमाम प्रत्याशी हैं जो सियासी मैदान में अपने भाग को आजमा रहे हैं। अब खैर, देखना यह दिलचस्प होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के पाले में उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से कितना नसीब होता है,
कितने पे अपने उम्मीदवारों को जिताने में वो सफल हो पाते हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, मुसलमानों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुसलमान उन पे विश्वास करता है या नहीं करता है ये 10 मार्च को पता चलेगा। तब तक 10 मार्च तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी रिजल्ट आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में किसको सत्ता मिलती है, किसकी जीत होती है, कि 10 मार्च तक पता चल जाएगा। 10 मार्च तक बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।